अच्छी बल्लेबाजी करके आए भाई संदीप। एक ओवर की समाप्ति में स्कोर था 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अंजुम को बड़ा झटका लगा भाई संदीप के रूप में। अभी दे भाई बेस्टमैन को नाम पूछ ले शाम लागो, तो खुद को तो नाम बता रही हो तू सुन बी को शाम लागो नहीं हो नया बेस्टमैन भाई आशीष पे बोलर प्रशांत अरे अंदर है काला काला दिख रहा है यार। आप देख रहे हैं पहला और तीन प्रशांत दिख रहा है प्रशांत शत अंपायर गोरा चार रन है या नहीं भाई चौका इसे चौक के साथ मुश्किल चाहता है चार शोर देखिए जाइए हाई पर चेक करने गई अभी चालू करें चालू करने वाले भाई हैं हाँ इस बुरे दिनों में भी वो चार साल लगा देंगे अंपायर का डिसीजन चार या दो रन चार रन अच्छे अंपायरिंग दोहरा के दोबारा प्रसाद शेखर के पास है दो रन देखना होगा जब प्रसाद शेखर खाली होते हैं इनके पास भी दो मुकाबले प्रशांत भाई के पास यशो खान का मुकाबला खेलना बाकी है आज से देखना होगा किसके पास साइकिल का ताज जमीन के सिर पे अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल इसी लाइन के साथ स्कोर चाहता है चार याद रखिए गोल भी जाना देख जी वो पैटर्न इसको जाता है एक विकेट के नुकसान पे इस बार अच्छा शॉट और सेकेंडरी गेंद में पीछे दौड़े हैं प्रसाद गेंद में आता है किसी ने रोका
इसी जगह इशार में स्कोर चाहता है। अच्छा के साथ में स्कोर 4-5-26 रन, एक विकेट के नुकसान पर 2-4 पर गति काफी महंगे साबित हो रहे हैं। प्रसाद शेखावत पिछले प्रसाद सुनिश्चित हो गए इस बार वो का खड़ा था गेंद को बल्ले को गेंद देख रहे थे बैठी शायद विकेट हो सकता था। अतुल कितने प्रसाद भाई ने बड़े गुस्से से आ रहे होंगे, अगर वो कैच निष्पात ले लेते तो वो विकेट उनको मिल जाता। स्कूल जाता अंजुमन का मोहन गिर का 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर और तीसरा रन लेकर आए सिकंदर। स्कूल जाता अंजुमन का मोहन गिर का 26 रन, स्वागत किया भाई सिकंदर का। वाह भाई वाह, आसिफ भाई भाई क्या कमाल की बल्लेबाजी की आपने आते ही छक्के के साथ। छक्के के साथ में स्कोर 4-5-32 रन, एक विकेट के नुकसान पे और तीसरे ओवर पर गति पे। उसी एक रन के साथ में स्कोर 4-5-31 रन, एक विकेट के नुकसान पे और तीसरे ओवर पर गति पे। अगर अंजुमन मुकाबला को ये मुकाबला जीतना है स्कोर 4-5-6 इस बार अच्छी गेंद शिक्षक के द्वारा और स्कोर 4-5-37 रन, तीसरा ओवर पर गति पे एक विकेट नुकसान थी और अंजुमन मुकम्मल भाई के मुकाबला जीत रहा है। तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी और एक अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा, 100+120-130 रन उनको बनाने होंगे। इसी वाइड के साथ में स्कोर 4-5-38 रन, एक विकेट नुकसान, 33 ओवर पर गति थी। इस बार भी वाइड गेंद चौके के साथ में स्कोर 4-5-43 रन, एक विकेट नुकसान पर 30 ओवर करीब काफी महंगी साबित हुए हैं। जिससे बात करते हैं स्कोर 4-5-43 रन, एक विकेट नुकसान के वहां से पावर प्ले समाप्त हो चुका है। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रही है मोकनगढ़ अंजुमन, थोड़ा पीछे हाँ छवि नगारा भाई बजा रहे हैं।
जो दोनों टीम खेल रही है उनकी जो मोकन की टीम से मैं फिर कहना चाहूंगा कि एक बार आप नगड़ा भाई के पास आए, उनका स्वागत और अभिनंदन करें भाई। थोड़ा बड़े हैं सफीक, गेंदबाजी का जिम्मा लिया है सफीक ने, अपने खाते का पहला और तीन के शेप चौथा और सफीक वहां पे फील्ड कर रहे हैं। शायद वो गेंद की पास होती तो शायद वो कैच को ले लेते, इसी रन के साथ में स्कोर चार पहुंचा 44 रन, एक विकेट के नुकसान पे चौथा और प्रगति में। इस बार अच्छी गेंद और स्कोर अभी भी 44 रन है, चौथा प्रगति में और एक विकेट के नुकसान पे। विकेट उनका गिरा जरूर था लेकिन अब उनको इतना बड़ा कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। मुकुल की टीम में अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, अगर नॉल गढ़ भाई मुकाबला जीतना है तो एक बेहतरीन गेंदबाजी करवानी होगी। और बात करें बल्लेबाजी की, इस बार भी अच्छी गेंद सभी के द्वारा। अगर आपको एक अच्छा स्कोर बनाना है तो 100+ से ऊपर ही रन बनाने होंगे, क्योंकि बात करें अगर बल्लेबाजी की तो नौ रन के पास एक बेहतरीन बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी है उनके पास में, उनको मुश्किल नहीं होगा चेस करने के लिए। रन पिछले सफी इस बार कुछ अलग करना चाहते थे, इससे अवश्य खराब वहां पे है फील्डर सिकंदर जो काफी महंगे साबित हुए हैं आज की इस गेंदबाजी में। और इसको जा पहुंचा 45 रन, एक विकेट नुकसान के चौथा ओवर गति में। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है अंजुमन मोकनगढ़ ने। क्या कमाल की वहां पे फील्ड है, नीचे देखना होगा और छह मिनट और ऋषि चन्ने के साथ में स्कोर चार पहुंचा। परशुराम राघव 2023 का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अंजुमन मुकुंदगढ़ वर्सेस नवलगढ़ एनसीसी के बीच खेला जा रहा है। अंजुमन मुकुंदगढ़ की तरफ से बोलो
अब हमारे साथ में लाइन में जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई से राजेश कुमार। कुमार आपका स्वागत है लाइन में। सिकंदर खान गुरुजी आपका भी स्वागत है लाइव में। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई तौफीक अली भी आ चुके हैं, उनका इस ग्राफ है और अभिनंदन आशीष है नए गेंदबाज जो काफी शानदार गेंदबाज है नवरगढ़ को यह अहम मुकाबला बना सकते हैं। आशीष छह रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों ही काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब आशीष देखते हैं कैसा गेंदबाजी करते हैं। अटके हैं गेंदबाजी दिशा हीन के ओवर वाइड पे अंपायर का इशारा। आज के दोनों ही अंपायर राजेश और देव का जो इसकी शानदार अंपायरी दे रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में एक बेहतरीन अंपायर को बुलाया जाना चाहता है। इन दोनों को आशीष चलेंगे फिर से सोने के लिए।
68-5। अपने घर पे पहला आए तीन की ओर से छठा ओवर लेकर आए के साथ स्वागत किया है समूह शेखावत ने बल्लेबाजी कर रहे हैं समूह शेखावत। इसी चौके के साथ इसको चार पांच बेहतर है भारत ने खा दिया क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रही है अंजुमन मुगल जो पहले सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था उसमें विजेता रही थी मुकुटगढ़ टीम रही थी वो फाइनल में अपनी जगह बना रही है मुकुटगढ़ टीम ने। इस बार अच्छा शॉट और सुबह मैंने से बहुत ज्यादा गया बहुत खेल बोलता हूँ
वही तो बोल रही हूँ। इसी चौके के साथ में स्कोर क्या पहुंचा 78 रन, 78 रन स्कोर हो चुका है। अंशुमन मुकुंद की टीम का क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, सामने हुए प्लेयर है दशरथ सिंह से कहा थे कमेंट्री बॉक्स में जल्द बता रहे हैं दशरथ सिंह से कहा थे सभी खो के गए और इस बार अपनी दूसरा से बता चुके हैं और वाइट गेंद गेंद भाग चुके हैं। इसी वाइट के साथ स्कोर चाहता चार 79 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है अंजु मुकुंद की टीम ने, 83 रन स्कोर हो चुका है, मात्र एक विकेट उनका गिरा है और छक्का और पंजे चुके हैं। क्या कमाल का शॉट खेला भाई और हर बार छोटा शोर और चक्के की अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ भाई जी बड़ू एक रन भेजियो अली की फेंक रहा लल्ली अबू बकर कुरैशी आपका स्वागत है लाइव में जुड़ने के लिए। अरे अजी स्कोर कितना हो चुका है, ये बोल रहे हैं कि 84 हो चुके हैं लेकिन आप 83 रन दिखा रहे हैं। 83 और 84 अजय भाई आप बताइए स्कोर कितना हो चुका है। रुक जा तो चलू तो हम तो 83 बता रहा राइट है एकदम तयासी और इसके चार पांच चार रन एक विकेट नुकसान पे छठ ओवर तक दिए थोड़ी गलती हो चुकी थी अजय भाई से लेकिन आप संतुष्ट हुए नजर की टीम 84 रन स्कोर हो चुका भाई और आगे भी कमेंट करेंगे हमारे बड़े भाई बस बढ़िया बॉल